हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि अगर आप नए आने वाले हो यहाँ पर या आपको जानना है कि जर्मनी की जो लाइफ है वो कैसी है, तो ये वीडियो हर एक पैरामीटर्स में आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे पैरामीटर लिए हैं जो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। उसके बेसिस पर मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, जैसे कि होता है फूड यहाँ पर कैसा होता है, हाउसिंग का क्या होता है, सैलरीज़ कैसी होती हैं यहाँ पर, जॉब्स क्या है, एंड देन मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एंड डिडक्शंस कैसे हैं यहाँ पर, टैक्सेस वगैरह वो सारी चीज़ें, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम घूमने जाते हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। जो पहला पॉइंट है, मैं स्टार्ट करती हूँ फूड से रिलेटेड। फूड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि हमारे लिए, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है जानना कि यार फूड में क्या है जर्मनी। अगर आप नॉन वेज लवर हो और आप ब्रेड लवर हो, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी डिशेज होती हैं जर्मनी में जो आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ का जो स्प्लेट्ले है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि ऑफकोर्स मीट से बना होता है बट बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन ऑप्शंस ट्राई कर रहे हो, तो भी हर एक शॉप या हर एक रेस्टोरेंट पे एक या दो ऑप्शंस तो होते हैं, हमारे टेस्ट के नहीं होते। वो ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल आपको वेजिटेरियन ऑप्शन हर एक जो भी रेस्टोरेंट है उस पर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे पता है कुछ कंट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस मिलने में थोड़ा टाइम लगता है, बट नहीं, यहाँ पर इवन वेगान ऑप्शंस जो हैं वो भी मिलने में आपको बहुत ही ईजिली किसी ना किसी शॉप पे आसपास मिल जाएगा। बट माय फेवरेट डोनर शॉप, जहाँ से मैं हर कभी जो वेजिटेरियन है वो खाती हूँ, या फिर जो एशियन जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर नूडल्स वगैरह मिलते हैं वो, तो ये दो ऑप्शंस है फूड के। एंड अदर देन दैट, अगर आपको मीट या फिर ब्रेड्स या फिर जो यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो पसंद है, तो ऑफ कोर्स आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हाउसिंग। जब हम यहाँ आते हैं तो हमें लगता है यार फ्लैट्स जो हैं वो कितने महंगे होंगे या घर जो हैं वो कितने महंगे होंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके हिसाब से वहाँ पर घर मिलते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो होते हैं वो वेगे वगैरह होते हैं, या स्टूडेंट के लिए खुद का एक फ्लैट्स वगैरह होता है तो वहाँ पर आप रह सकते हो। जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं उनके लिए फ्लैट्स होते हैं, ऑफ़ कोर्स अगर सिंगल आ रहे हो तो उनके लिए भी होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पेस ले रहे हो, पर अगर 500 से मैं बोल लूँ 1000 तक आपको बहुत ही ईजिली कुछ ना कुछ मिल जाता है। स्टूडेंट्स का तो मुझे पता है कि उनको जो स्टूडेंट्स स्पेस होती है वो डिफरेंट होती है, मतलब कुछ लोग जो होते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स को देते हैं और वो बहुत ही अच्छे प्राइजेस में देते हैं, तो 200-300 यूरोस पे भी आपको स्पेस मिल जाएगा। सिंगल पर्सन आ रहे हो तो 500 यूरो में आपको फ्लैट मिल जाएगा। आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, बट स्टिल इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बिकॉज हम जो इंडियंस होते हैं वो थोड़ी अच्छी जॉब्स पे आते हैं, और जब आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिखा के बहुत ही अच्छा फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हो और आपको ईजिली मिलेगा। थर्ड पॉइंट, मैं आती हूँ सैलरी के ऊपर। सैलरी एक बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में हमेशा सैलरी 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 होता है। ये पॉइंट मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ सैलरी सभी लोगों की अच्छी नहीं होती जर्मनी में। अगर आप ये सोच रहे हो कि जर्मनी मतलब सैलरी बहुत अच्छी, तो दैट्स नॉट द फैक्ट, बिकॉज ये डिपेंड करता है कि आप किस इंडस्ट्री पे हो, किस प्रोफाइल पे हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है। जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं उनकी जो सैलरीज होती है वो बहुत अच्छी होती है जर्मनी में, मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी। ऑफ कोर्स उनकी सैलरीज अच्छी होती हैं, अदर देन दैट बैंकिंग एरियाज़ में भी बहुत अच्छी जॉब्स सैलरीज होती हैं, और डॉक्टर जो है वो भी, मैंने आपको पहले बताया ही है, जो वीडियो है वो ऊपर फ्लैश कर रहा है वो देख लो। पर यहाँ पर और भी बहुत सारी प्रोफाइल है जिनकी सैलरीज बहुत कम होती हैं, जैसे जो किंडरगार्टन के टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत कम होती है और वो आए दिन जो है वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं। पर सैलरी यहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो 1800 यूरो टू 2000 यूरो होती है, और जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, जो भी सर्विस इंडस्ट्री आप जो भी मान लो, उसकी जो सैलरीज होती हैं वो अच्छी होती हैं यहाँ पर। तो अगर आपके मन में ऐसा है कि नहीं यार जर्मनी जाओगे तो हर कुछ में आप अच्छा कमाओगे, तो दैट इज़ नॉट द केस। किसी में अच्छा है और किसी में अच्छा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पीछे आपको दिख ही रहा होगा, बसेस, और पीछे रेलवे स्टेशन भी है, और मैं एक जर्मनी के एक छोटी सी गाँव में खड़ी हुई हूँ। छोटे से गाँव में खड़े होकर भी यहाँ पर बसेस एक्सेसिबल हैं, और जो
ट्रेन्स हैं वो पीछे दिख रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर होती हैं एसबान, ऊबान, ट्रैम्स और बसेस। जो बाकी सारी जो ट्रेन्स होती हैं वो तो ऑब्वियसली वन सिटी से दूसरे सिटी जाती हैं, पर जो गांव होते हैं गांव में जनरली बसेस जो होती हैं बसेस कनेक्ट करती हैं स्टेशन से। सो दैट्स ऑल्सो अ बिग थिंग। बट मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ईजी है, आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत ईजिली पहुँच सकते हो। जो नॉर्मल जो भी चीज़ होती है जो हम लोग नॉर्मल लोग जब आते हैं जब यूज़ करते हैं, जैसे बस हो गई, ट्रेन्स हो गई, ट्रैम्स हो गई। बट अगर आप बाद में कार भी लेते हो तो कार से भी एक जगह से दूसरे जगह जाना इतना सिंपल हो जाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपको एक जगह से दूसरे जगह का टिकट लेना है। यहाँ पर होते हैं डे पास या फिर वीकली पास या मंथली पास, 3 दिन का पास, 2 दिन का पास, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होते हैं जो स्टूडेंट्स के लिए प्लस हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैं पहले आई थी तो मैं डे पास लेके कहीं पर भी जाती थी और वो बहुत ही अच्छा होता था, चीप होता था, प्लस आप एक दिन पूरा दिन घूमो और ट्रैवल करो एंड देन या दैट्स गुड। एक और पॉइंट मैं बताती हूँ आपको जो शायद आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है अगर आपके बच्चे हो, पर बच्चे के हिसाब से यहाँ पर पैसे देती है और बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है कि यू डू द चाइल्ड, मतलब आप जो है बच्चों को पैदा करो या बच्चे रखो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, मैं ये बोल लूँ कि जिसकी जो फैमिली है उसका एक तो टैक्स भी बहुत कम कटता है क्योंकि उनके पास चिल्ड्रन है, एंड देन प्लस उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलता है। वो जो पैसा है वो 350 यूरो टू 450 यूरो होता है, डिपेंड करता है किस स्टेट पर। तो दैट्स ऑल्सो एन अमेजिंग थिंग। अब मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सब लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो है जॉब्स और टैक्सेस रिलेटेड। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो जॉब्स के बारे में और मुझे टैक्सेस के बारे में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, पर आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि यहाँ पर हम लोग पे करते हैं 40% से 55% टैक्स। मतलब जब आपकी सैलरी आती है मंथली तो आपका जो टैक्स है वो 40% से 55% जो वो है कट हो जाता है। पर उसके बावजूद भी हम लोगों को बहुत सारी जो है वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बिकॉज ऑफ कोर्स हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा टैक्स कट रहा है, पर वो टैक्स कट रहा है पर उसके हमें कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ होती है यहाँ पर जर्मनी में, तो मुझे पता है, आई डोंट नो इन अदर कंट्रीज़, कि अगर आप कल को जॉब नहीं है आपके पास फॉर एनी रीज़न, लाइक अभी लॉकडाउन है और अभी कोरोना के कारण बहुत सारे लोगों ने जॉब जो है वो अपनी लूज़ कर दी, उस केसेस में गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर पैसे देती है। ऑफ कोर्स हर महीने सैलरी से वो जो अर्बाइट लॉस गेल्ट है वो कटता है, पर उसके बावजूद भी अगर कल को किसी के पास जॉब नहीं है जो टैक्स पे कर रहा है रेगुलरली, तो गवर्नमेंट जो है वो उसे 65% से 90% इन और कुछ कुछ केसेस में 100% जो है वो जो सैलरी है वो देती है जब वो जॉब नहीं कर रहा है तब भी। जो अदर चीज़ होती है वो होती है हमारे लिए हेल्थ, या कल को अगर हमें कोई बीमारी हो गई तो हम कैसे उसे हैंडल करेंगे। इंडिया में हमेशा होता था, ऑफ कोर्स हम टैक्स पे करते थे, मैं भी कुछ ना कुछ पे करती थी मेडिकल के लिए, पर स्टिल मुझे ये डर लगता था कि यार कल को अगर कुछ हो गया, बीमारी हो गई तो वो कैसे, क्योंकि हमारा वो सब कुछ कवर नहीं होता है इंडिया में। पर यहाँ पर कोई भी बीमारी वो सब कुछ कवर करती है। ऑफ कोर्स सैलरी में से जो ये मेडिकल और इससे रिलेटेड है वो 14% से 16% तक कट होता है, बट इट एट द एंड आपको अगर कुछ भी होता है तो वो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट टेक केयर करती है। एक बार मुझे बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हुए थे एंड देन ब्लड टेस्ट से लेकर बहुत सारे एलर्जी टेस्ट करे थे, वो सब कुछ फ्री हुए। और भी मुझे एक दो चीज़ हो गई, बिकॉज हम नई कंट्री में मूव करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, वो सब कुछ जो थी फ्री थी। तो दैट्स अ अमेजिंग थिंग कि ऑफकोर्स आपका जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कट रहा है। अदर देन दैट ट्रांसपोर्टेशन, आप मेरे वीडियोज़ में देखते ही हो कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जो रोड्स होती हैं वो एकदम चकाचक होती हैं, सब कुछ एकदम चकाचक होता है, वो उसी के कारण जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसी की वजह से जो ये सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों को मिलती हैं। तो एट द एंड अगर पैसा कटता भी है तो हमें पता है कि हमारे पास जॉब सिक्योरिटी है बिकॉज हम टैक्स पे कर रहे हैं, और टैक्स जो है वो हमारा इन सारी चीज़ें कुछ पैरामीटर्स होते हैं उनमें कट रहे हैं। एंड एट द एंड अगर कल को हमारे पास जॉब नहीं हुई या सिचुएशन बहुत ख़राब हुई तो भी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ की टेक केयर करेगी। मैं ये पॉइंट इतना ज़्यादा इसलिए समझा रही हूँ
बिकॉज़ यहाँ पर बहुत टाइम से लॉकडाउन है, और चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो नॉर्मल लोग हो, आईटी वाले पर्सन हो, जिनने जॉब्स जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जो है वो पे कर रही है हर मंथ। ये बहुत अमेजिंग बात है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग बहुत टाइम से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, स्टिल गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास पैसा आ रहा है। तो ऑफ कोर्स दैट्स द अमेजिंग थिंग अबाउट जर्मनी एंड लाइफ इन जर्मनी का पार्ट। तो एक और चीज़ बताने चाहती हूँ, यहाँ पर एजुकेशन के बारे में आपने सुना होगा सबसे फ्री है, लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हो और आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों की जो एजुकेशन है वो फ्री होती है यहाँ पर। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिली जर्मनी आने की, तो जैसे ही आप यहाँ पर जॉब स्टार्ट करते हो तो जो भी एजुकेशन है वो फ्री होती है। ऑफ कोर्स वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उसमें होती है, पर अगर आपके बच्चे पहले से ही जर्मन सीख के आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है यहाँ पर, क्योंकि स्कूलिंग जो है वो पूरी यहाँ पर फ्री है। मैंने आपको आज जो है वो कुछ पैरामीटर्स बताए जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको जानने के लिए जब आप यहाँ पर आ रहे हो। और भी कुछ पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको कभी और बताऊंगी, बट ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और जो भी सबसे अच्छा पॉइंट लगा, जो ऐसा लगा हो यार ये बहुत ही अलग है, वो ज़रूर नीचे कमेंट करना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।